गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि अगर आप बिजनेस कोच हैं, लाइफ कोच हैं, मेंटर हैं, रिलेशनशिप कोच हैं और आप कोचिंग देते हैं किसी को भी इंडिया में, आउटसाइड इंडिया, और आप वीडियो मार्केटिंग यूज़ नहीं कर रहे हैं अपने लिए या अपनी सर्विसेज के लिए या अपने पोर्टफोलियो ऑफ सर्विसेज के लिए, जो भी आप सर्विसेज देते हैं लोगों को या जिस तरीके से आप कंसल्टेशन देते हैं, काउंसलिंग करते हैं लोगों की, अगर उसमें कहीं भी वीडियो मार्केटिंग नहीं है तो आप क्या चीज़ खो रहे हो, क्यों खो रहे हो, किस तरीके से खो रहे हो, उस चीज़ पे हम बात करेंगे। अगर आप वीडियो मार्केटिंग यूज़ नहीं कर रहे हो एज अ लाइफ कोच, बिजनेस कोच, रिलेशनशिप कोच, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और आपको क्यों ज़रूरत है वीडियो मार्केटिंग यूज़ करने की, सारे टॉपिक में हम बात करेंगे। मैं आपके साथ केस स्टडीज़ भी लाया हूँ, बहुत सारी चीज़ें लेके आया हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी सर्विस आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, कोच और मेंटर लाइफ कोच होते हैं, बिजनेस कोच होते हैं, रिलेशनशिप कोच होते हैं। अगर उनको ज़रूरत क्या है, नीड क्या है उनकी कि वो वीडियो स्ट्रैटर्जी को यूज़ करें। देखिए, वीडियो जो है वो आजकल फाउंडेशनल स्टोन बन चुका है मॉडर्न कंज्यूमर्स या मॉडर्न सर्विस सीकर्स के लिए। जो भी बंदा है आज के टाइम पे विजुअल चीज़ों को ज़्यादा याद रखता है एज़ कम्पेयर टू थियोरेटिकल चीज़ें। तो हमने डॉक्यूमेंट किया है कि हाँ जी, आप अगर देखें डेली लाइफ में किस किस तरीके से इन्वॉल्व है कॉन्टेक्स्ट में, कि हाँ जी वीडियोस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमें क्यों वीडियो मार्केटिंग की ज़रूरत है, आइए बात करते हैं। देखिए, ये तो आपको पता चल गया कि हाँ जी मॉडर्न कंज्यूमर के दिमाग में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हाँ जी वीडियो बहुत प्राइम चीज़ है, क्योंकि विजुअल ग्राफिक्स होते हैं, उसको याद आ जाती हैं चीज़ें, उसको आप एज ए कोच मेंटर याद आते हैं, जो आप बोलते हैं, जो आप समझाते हैं, वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में घूमती हैं, वो आती हैं। अब बात करते हैं कि हाँ जी कौन से प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहिए। देखिए, यूट्यूब यूज़ कर सकते हैं आप, फेसबुक यूज़ कर सकते हैं, इंस्टा यूज़ कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे अगर बड़े वीडियोज़ बनाते हो तो IGTV है, शॉर्ट्स हैं, यही यूट्यूब पे भी हैं, FB पे स्टोरीज हैं, पोस्ट हैं, ग्रुप पोस्ट हैं, पेजेस हैं, सब कुछ है। देखिए, आपको सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आपको क्रेडिट जो है ना वो इंटरनेट को देना पड़ेगा कि आपको वीडियो का यूज़ करना है। आप कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, वो बहुत अहम चीज़ हो जाती है। अगर आप बिजनेस कोच हैं, लाइफ कोच हैं या रिलेशनशिप कोच हैं, तो आपको यूट्यूब पर होना बहुत ज़रूरी है वीडियोज़ के साथ, फेसबुक पर भी हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी हो सकते हैं। देखिए, वीडियो जब हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर डालते हैं वीडियो पड़ा रहता है। अब सबसे बड़ी बात होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक टेक्निक है जिसके थ्रू कुछ टॉपिक्स या कुछ कीवर्ड्स पे हम उस वीडियो को छोड़ देते हैं। जब भी कोई भी बंदा उस वीडियो या उस टॉपिक को सर्च करता है तो हो सकता है आपका वीडियो उसके सामने आए, और उसके सामने आने का मतलब क्या है, आप उसके दिमाग में बार बार आ रहे हो, आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, चाहे वो यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो। और आपका फायदा क्या होगा, आप एक इमोशनल कनेक्ट बना पाओगे उससे, एक ऐसा कनेक्शन जब आप नहीं हो तब भी वो आपको देख रहा है, आपके दिए हुए लेसन्स को देख रहा है, आपके दिए हुए तथ्यों पे सोच रहा है, आपके दिए हुए फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में उसके दिमाग में एक इक्वेशन चल रही है। और ये इसलिए है क्योंकि वो बंदा उन सारी चीज़ों को बिगनिंग से लेके अब तक देखता आ रहा है। तो आपको अगर किसी भी बंदे को कनेक्ट करना है और उसे लॉन्गर पीरियड के लिए अपने साथ रखना है तो आपको यहाँ होना ही पड़ेगा। अगर आज आप नहीं हो तो हो सकता है आपके एक्सक्यूजेस हो, एक्सक्यूजेस कुछ भी हो सकता है कि हाँ जी हमारे पास टीम नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास मनी नहीं है। कई लोग तो इवन लेजी होते हैं, कोशिश करते हैं कि हाँ जी हम बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं, तो वो एक्सक्यूज है दोस्तों। आप दुनिया को कोच कर रहे हो और आप खुद की कोचिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हो, उसकी मार्केटिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हो, देन यू आर नॉट सीरियस। आई डू थिंक सो। वीडियो मार्केटर्स को 66% अगर मैं बोलूँ वीडियो मार्केटर्स को 66% मोर क्वालिफाइड लीड्स मिलती हैं पर ईयर एज कम्पेयर टू वो जो वीडियो मार्केटिंग नहीं करते। तो 66% का बिजनेस आप छोड़ रहे हो। इंटरनेट यूजर्स एवरीवेयर हैं जो वीडियो कंज्यूम करते हैं और वीडियो कंटेंट डालते भी हैं। डिमांड वीडियो कंटेंट की
इंक्रीज होती जा रही है और बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। वीडियो पावरफुल मार्केटिंग टूल बन चुका है जो आज के टाइम पे वीडियो में है, या वीडियो प्रोड्यूस कर रहा है, वीडियो कंटेंट डाल रहा है, वो प्राइम है, और जो नहीं डाल रहा है उसके बारे में कहना ही क्या। कंज्यूमर लव वीडियोस ऑन सोशल मीडिया, तो आप जहां भी हो अगर आप टारगेट नहीं कर रहे हो अपनी ऑडियंस को, उनसे एक इमोशनल कनेक्ट नहीं बना रहे हो, तो कुछ नहीं हो सकता। Who experiences the most success on YouTube? देखिए YouTube पे आज तक कौन कौन से कोचेस, किस किस तरीके के कोचेस, किस किस तरीके के कंटेंट को वायरल होते हुए देखा हमने। देखिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसमें US के गैरी वी का। गैरी वी एक बहुत ही बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं जिन्होंने बहुत मेहनत से, बहुत ही ज़्यादा मेहनत से अपनी पूरी लाइफ को डॉक्यूमेंट किया है, अपनी पूरी लाइफ के तथ्यों को, जहाँ भी जाते थे, जहाँ भी जो भी करते थे, इनकी एक मार्केटिंग टीम शुरुआत में तो नहीं थी पर धीरे धीरे बिल्डअप करी, सब कुछ ही खुद करते थे, वीडियो रिकॉर्ड करते थे, डॉक्यूमेंट करते थे और उसे डालते थे। इवन मैंने इनको देखा है कि फ्लाइट्स में सोते हुए और फिर उसके बाद सारे वीडियो को एडिट करके मोबाइल के थ्रू अपलोड करते हुए। नाउ ही इज नंबर वन फिगर, नंबर वन ऑथर ऑफ क्रशिंग इट एंड क्रश इट। और आज के टाइम पे गैरी वी के वीडियोज लाइक बुम 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 बुम। अगर आप अपने वीडियो कंटेंट या अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे हो एज ए कोच, एज ए मेंटर, तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हो और ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है अभी। अगला एग्जाम्पल भारतीय है और क्या ही बोलूँ इन सर के बारे में, इन्होंने तो आग लगा रखी है। अगर मैं बोलूँ तो यूट्यूब पे हर जगह पे बड़ा बिजनेस डॉट कॉम के फाउंडर मिस्टर विवेक बिंद्रा। विवेक बिंद्रा ने तो हल्का मचा रखा है, जिस तरीके का कॉन्सेप्ट ये लाते हैं, जिस तरीके से ये हुक करते हैं अपनी ऑडियंस को, जिस तरीके से उसको रिवॉल्व कराते हैं, ही इज़ द बेस्ट वीडियो मार्केटिंग कंटेंट जनरेटर। देखिए ही इज़ द कोच हु जनरेट द कंटेंट। देखिए एनी कंटेंट दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू योर गोल स्टेटमेंट एक्सेप्टेड, एनी कंटेंट दैट डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू योर गोल स्टेटमेंट रिजेक्टेड। इनका फंडा बहुत क्लियर है, ये 15 मिनट में 2 घंटे का कंटेंट लाते हैं और इतने इजी वे में समझाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और ये कोच के तौर पे आज अगर इनको किसी ने जाना है तो वो यूट्यूब ने इनको प्राइम बनाया। एंड इनकी जर्नी यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ थी, बहुत मेहनत करी है शुरुआत में बहुत ज़्यादा, और गीता से जो लगाव है इनका, जो हमने खुद इनसे सीखा है। और अगर ये चीज़ ये अपने आप को यूट्यूब पे डाल के अपने आप को इतना पॉपुलर कर सकते हैं, देन इफ़ यू आर गिविंग एक्सक्यूज, हैट्स ऑफ टू यू। अनदर वन देखिए संदीप महेश्वरी जी, संदीप महेश्वरी जी के भी यूट्यूब चैनल में बवाल काटा हुआ है। आई रियली एडमायर दिस मैन, इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं और इन्होंने यूट्यूब का सबसे बढ़िया यूज़ लिया है और अब तक इन्होंने सबसे बेहतरीन तरीके का कंटेंट क्रिएट करके डाला है वीडियो प्लेटफॉर्म्स पे। तो आप अगर एज ए मेंटर, एज ए कोच अपना कंटेंट नहीं बना रहे, देन द लॉस इज योर्स। हु एक्सपीरियंस द मोस्ट कंटेंट और सक्सेस पे ही हम वापस आते हैं। इन्होंने इतनी सक्सेस को अचीव कैसे किया, वायरल और एनहांस रीच कैसे की? देखिए सिंपल, स्टूपिड, ह्यूमरस और इजी कंटेंट डाला, सोचा और डाला, सोचा और डाला, सोचने में नहीं लगे रहे कि हमने क्या डालना है, सोचा और डाला, सोचा और डाला, एग्जीक्यूट करते रहे। वीडियोस एनीवेयर एनी टाइम वे में इन्होंने यूज किया, फुल्ली यूज किया इन्होंने कंटेंट को, ऑसम वैल्यूएबल कंटेंट दिया है। मतलब ऐसा नहीं कि लोगों को बोर किया है, बिना बोर किए हुए उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस दिए हैं सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में। फोकस इनका क्वालिटी कंटेंट पे था, वीडियोस पे, और वैल्यू 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 इनका मोटो था। कांस्टेंट और कंसिस्टेंट अप्रोच रखी है, वीडियो कहीं भी रुके नहीं और यही फायदा इन्होंने उठाया है। अब बात करते हैं आपको रिसर्च की क्या जरूरत है अगर आप कॉम्पिटिशन से लड़ रहे हो वीडियो प्लेटफॉर्म पर। देखिए अगर मैं बात करूँ इन्फॉर्मिंग और एजुकेशन पर, जो कि मोस्टली हर कोच और हर बिजनेस मेंटर की एक बात होती है कि हाँ जी उसको इन्फॉर्म करना और एजुकेट करना। 81% ऑफ बिजनेसेस आर नाउ यूजिंग वीडियो मार्केटिंग। वेयर आर यू, वेयर आर यू स्टेइंग अहेड फ्रॉम अदर्स। देखिए आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में नंबर वन पे आते हैं क्योंकि गूगल भी जानता है कि यूट्यूब एक नंबर दो कैटेगरी का सर्च इंजन है आफ्टर गूगल। जिसने वीडियो डाला है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उसका ऑटोमेटिकली हो जाता है और वो आप हो जाते हैं। गेटिंग पर्सनल एंड एंगेजिंग बिल्डिंग ए कनेक्शन। देखिए आप पर्सनल हो जाते हो बंदों के साथ और आप बिल्ड कर लेते हो कनेक्शन।
आपकी कन्वर्जन्स बूस्ट करने लग जाती हैं, आप वीडियोस क्रिएट करके इम्पेकेबल कनेक्शन बना लेते हैं लोगों के साथ। प्लेटफॉर्म जो यूज़ करने हैं वो ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब। अब आपने सोचना आपने क्या करना। टेक योर ब्रांडिंग सीरियसली। देखिए मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप ब्रांड नहीं कर रहे हो खुद को, तो कोई और कॉम्पिटिटर आपसे ज़्यादा ब्रांडिंग कर चुका है। अगर आप उसी सेगमेंट में हैं, आप उसको राउट रैंक जब ही कर सकते हैं, या तो आपका कंटेंट इतना बेहतर हो कि आप उसे पछाड़ सको, या इतना ज़्यादा हो जिसे पछाड़ सको। तो शुरुआत में ज़्यादा तो पॉसिबल है नहीं, तो क्वालिटी पर ध्यान रखें, धीरे धीरे चलें, बट चलना ज़रूर शुरू कर देंगे। अगर आप नहीं चलना शुरू करेंगे वीडियो मार्केटिंग में, तो आप पीछे रह जाएंगे और छूट जाएंगे। If you didn't already know, YouTube Google का ही प्लेटफॉर्म है और लार्जेस्ट सर्च इंजन है Google के बाद। वीडियो जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेस इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज़्यादा देता है, क्योंकि इसकी वैरायटी बहुत ज़्यादा है। वीडियो मोबाइल फ्रेंडली होते हैं, ब्रांड्स यूज़ करते हैं वीडियोस को, और विजुअल पीपल को रिमेंबर करने में बहुत मदद करता है। तो विजुअल कंपेयर टू एनी अदर मोड बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, और मोड ऑफ रिटेंशन मतलब लोगों के दिमाग में ज़्यादा देर तक रहता है। क्वालिटी कंटेंट क्रिएशन क्या YouTube सेंसेशन बनने के लिए पूरी है? नहीं, आपको सिर्फ क्वालिटी पर ध्यान नहीं देना, आपको कई और फैक्टर्स पर ध्यान देना, जैसे कि आपकी स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, स्टोरी टेलिंग अच्छी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके वीडियोस में जब आप वीडियोस बनाते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके इक्विपमेंट बेसिक इक्विपमेंट भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, छोटे से मोबाइल से भी मैंने लोगों को आगे बढ़ते हुए देखा है यूट्यूब पे। प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन का ध्यान रखें, प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन का। राइट वीडियो मार्केटिंग स्ट्रेटजी जरूर यूज करें। अब अगर आपने बनाई नहीं है अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, तो उस पर हम आपकी मदद कर सकते हैं दोस्तों। आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, या ईमेल भी कर सकते हो। इस चीज का ध्यान रखें और वीडियो मार्केटिंग का यूज लें एज ए कोच, एज ए मेंटर, एज ए बिजनेस कोच, या एक्स वाई जेड जिस भी स्ट्रीम में आप हैं। व्हाट प्रॉब्लम्स वी कैन हेल्प यू आउट, देखिए हम किस तरीके से आपकी मदद करेंगे। देखिए आपको राइट ऑडियंस पे जाना है, गलत ऑडियंस पे पहुंच गए तो सब कुछ खराब हो जाएगा। तो वी कैन हेल्प यू इन टारगेटिंग द वीडियोस, हाउ यू विल अचीव योर रेवेन्यू गोल्स इफ यू आर नॉट रीचिंग टू द राइट ऑडियंस राइट मोड। अगर आप राइट ऑडियंस और राइट मोड पे नहीं, तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, आप सिर्फ वहीं बैठे रहेंगे और सोचते रहेंगे। तो इस चीज से बाहर निकलना है, किस तरीके का कंटेंट आपने बनाना है, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है, हम बनाए तो बनाए क्या। अब बेस्ड ऑन द गोल्स और अप्रोचेस आपको देखना है कि हाँ जी आप क्या बना सकते हो, क्योंकि जिस फील्ड के आप कोच होंगे, जिस फील्ड के आप मेंटर होंगे, हम उसमें मदद कर सकते हैं। व्हाट प्रॉब्लम्स वी कैन हेल्प यू, देखिए व्हाट स्टाइल ऑफ वीडियो शुड आई क्रिएट। क्या मैं विवेक बिंद्रा जी की तरह बोलूँ, क्या मैं सही संदीप मिश्रा महेश्वरी जी की तरह बोलूँ, क्या मैं गैरी वी की तरह इंग्लिश में बोलना शुरू कर दूँ। दैट डिपेंड्स ऑन यू, आपकी ऑडियंस किस तरीके की, आप किस तरीके की ऑडियंस क्रिएट करना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। और कौन से प्लेटफॉर्म को कितने वीडियो साइज पे आप कितने देर तक बोल पाओगे, वेरियस स्टाइल क्या यूज़ करोगे, क्या आप बोर करोगे या उसे हंसाओगे या उसके पेट में गुदगुदी करोगे, दैट डिपेंड्स ऑन यू। बिना उसे टच किए उसको गुदगुदी करना बहुत बड़ी स्किल है। अब मैंने एक ऐसा डायलॉग बोल दिया, अगर आप सोचोगे और इसे रिवाइंड करके सुनोगे तो आपको मज़ा भी आएगा। तो व्हाट आर द थ्री स्टेजेस ऑफ वीडियो प्रोडक्शन, तीन स्टेजेस वीडियो प्रोडक्शन की होती हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। लॉन्ग टाइम में किस तरीके से आगे तक ग्रोथ अचीव करी जाए, और वीडियो को किस तरीके से रीच बढ़ाई जाए, राइट पर्सन, राइट प्लेटफॉर्म, राइट पर्सुएशन स्किल्स को किस तरीके से मैच करके छोड़ा जाए वीडियो में, ताकि आपको फायदा मिले एज ए कोच, एज ए मेंटर। हाउ डू आई डिस्ट्रीब्यूट माई वीडियो, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी अगर आप तक में वीडियो की नहीं बनी हुई है, देन आप कहीं ना कहीं लॉस भी हो, आप अपने कैश को बर्न कर रहे हो और बैंक बैलेंस को कहीं ना कहीं धीरे 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 खाली कर रहे हो। तो वीडियो कंटेंट अगर आप नहीं डाल रहे हो तो ये एक प्रॉब्लम है आपके लिए, ये याद रखना। हाउ डू आई नो इफ माई वीडियो इज सक्सेसफुल, देखिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं ट्रैक मैट्रिक्स करने के लिए। अब वो हम आपको बता सकते हैं किस तरीके से आप बढ़ाओगे अपने सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को, वॉच टाइम बढ़ाओगे अपना, सारी चीज़ें हमें पता है, कहाँ कैसे किस तरीके से वो हम आपकी मदद करेंगे, कौन से प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है, कहाँ मैक्सिमम पोटेंशियल आएगा, कहाँ पे क्लाइंट्स बैठे हुए हैं आपके बिजनेस के जिन्हें वो वीडियो दिखेगा। तो प्रिसीजन इतना सॉलिड होना चाहिए, मतलब अर्जुन ने तीर मारा तो बिल्कुल मछली की आंख पे लगना चाहिए। कुछ ऐसा सिस्टम आपने को बना के रखना पड़ेगा, और वो हम आपको बना के देंगे ना, हम आपके साथ हैं। हाउ मच इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है मेरा पैसा कितना लगेगा भाई,
मैं कोचिंग बिजनेस में हूँ, कहीं ज़्यादा कॉस्ट तो नहीं आ जाएगी, बजट बेस्ड सॉल्यूशंस हैं हमारे पास सबके लिए। हाउ कैन वी गेट क्लाइंट्स? देखिए, हाई टिकट भी ले सकते हो आप, मीडियम टिकट भी ले सकते हो, लो टिकट भी ले सकते हो। अब दैट डिपेंड्स है आपके वीडियोज़ किस तरीके से हैं। क्या मैं करोड़ में अर्न करने लगूंगा वीडियो डालते? नहीं 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 नहीं, आपको टाइम लगेगा और फिर उसके बाद आप रुकोगे नहीं। इस बात की गारंटी और वारंटी तो मैं नहीं दे सकता हूँ, बट स्टिल आई कैन हेल्प यू एंड सॉल्व इट आउट फॉर यू। देखिए दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए केस स्टडी, और केस स्टडी में सबसे पहला नाम हमारे गुरुजी, हमारे महामहिम विवेक बिंद्रा जी हैं, जिन्होंने 526 वीडियो डाले हैं अब तक, 15.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, और वीडियो व्यूज तो आप गिन सकते हो, कंट्री इंडिया है, और जनरल टाइप का एजुकेशन शुरू कब हुआ था 2013 में, और आज है 2021। 8 साल हो गए, 8 साल पूरे होने वाले दिसंबर में, तो आप देख सकते हो 7 साल समथिंग कुछ हुआ है। और देखिए रैंक कितनी अच्छी है, और देखिए अब मैं बात करता हूँ कि 30 दिन में इनको 3 लाख सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, और $9,500 से लेके 152 मतलब $1,52,000 तक ये अर्न कर लेते हैं यूट्यूब से, ठीक है। और ये पर्टिकुलर ऐप है सोशल ब्लेड, जिसके थ्रू हम आपको बता सकते हैं कि हाँ जी किसकी कितनी अर्निंग है, बट ये एग्जैक्टली होती है, ऊपर नीचे हो सकती है, बट लगभग इतनी ही होती है। संदीप महेश्वरी जी ने 365 वीडियो डाले हैं, 19.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं इनके, और वीडियो व्यूज देख सकते हैं आप। और फरवरी 13, 2012 में शुरुआत करी थी इन्होंने, और इनका भी तकरीबन सब्सक्राइबर भी सेम है, अर्निंग ऊपर नीचे होती रहती है, कंट्री में 45वीं रैंक पे आते हैं और बहुत ही बढ़िया व्यूज लेते हैं, 41.59 मिलियन व्यूज पर 30 डेज मिल जाता। गैरी वी, द बिग शॉट गैरी वी ने 2,467 वीडियोस डाले, 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, वीडियोस इतने कंट्री यूएस है, 2007 में शुरू कर दिया था अक्टूबर में, सब्सक्राइबर 20,000 पर 30 दिन में आ जाते हैं, अच्छी खासी रैंक है, अच्छी खासी अर्निंग है। और यहाँ देखिए, यहाँ भी बहुत अच्छा खींचा खेल है, बट ये बी कैटेगरी में इसलिए आते हैं क्योंकि ये यूएस टारगेटेड बेस ऑडियंस पे ज़्यादा फोकस है। दोस्तों, 3 केस स्टडी लाया हूँ मैं आपके लिए, अगर वीडियो पसंद आया हो, आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और वो बेल बटन नहीं दबाया तो वो भी दबा दो। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट नहीं था, ये सिर्फ एक ट्यूटोरियल था कि हाँ जी कोचेस और मेंटर्स को किस तरीके से वीडियो मार्केटिंग यूज़ करनी चाहिए। अब अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड टू वीडियो मार्केटिंग एज ए कोच, एज ए मेंटर, एज ए लाइफ कोच, एज ए बिजनेस कोच, एज ए रिलेशनशिप कोच, तो यू आर एट द राइट प्लेस, आई कैन हेल्प यू आउट विद, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन व्हाट्सएप, और यू कैन कॉल मी, और यू कैन ड्रॉप ए मेल विद योर मोबाइल नंबर, विद योर डिटेल्स एंड व्हाट आर योर गोल्स, एंड वी विल सिट एंड वी विल डिस्कस एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज वी कैन। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, और बेल बटन को जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच। और अगर आप लाइफ कोच हो तो दोस्तों, कोचिंग बहुत मज़ेदार कर सकते हो आप विद वीडियो मार्केटिंग। थैंक यू सो मच।